सर्विस क्लैंप्स को जोड़ने की प्रक्रिया। सर्विस क्लैंप सामान्य तौर पे क्लैंप बॉडी वेज, स्टील बेल और ब्रैकेट के साथ दिया जाता है। पोल पर इस असेंबली को लगाने के लिए आवश्यक साधन है पट्टी और बकल, फिक्सिंग नेल्स, बोल्ट्स और नट्स। जोड़ने के दौरान आवश्यक टूल्स ये है, स्ट्रिपिंग टूल, हथौड़ी, फेज सेपरेटर। आइए अब हम पोल पर सर्विस क्लैंप असेंबली को लगाने की सही प्रक्रिया को समझते हैं। सही लंबाई के दो पट्टियां ले। पट्टियों के खुले छेदे को बकल से निकाले। पोल पर ब्रैकेट को बिठाए और जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है उसके चारों ओर पट्टी को लपेटे। स्टेपिंग टूल में पट्टी को बिठाए और टूल को लॉक करें। स्टेपिंग टूल के हैंडल को घुमाकर पट्टी को खींचे। स्ट्रैपिंग टूल के कटिंग हैंडल का इस्तेमाल करके अतिरिक्त पट्टी को काटे और इसके छोर को मोड़े। अब बकल के सीधे हिस्से को हथौड़ी से मोड़ दे। इसी प्रकार से दूसरी पट्टी को भी लॉक करें। ब्रैकेट अब लग गया है। ध्यान दे, इस ब्रैकेट को बोल्ट से भी लगाया जा सकता है। अब हम सर्विस क्लैंप ब्रैकेट में लगाने की प्रक्रिया को समझते हैं। स्टील बेल को बॉडी से अलग करें। ब्रैकेट की आंख में से स्टील बेल को निकाले। स्टील बेल को बॉडी में फिर बिठाए। अब केबल लगाने की प्रक्रिया को समझते हैं। न्यूट्रल मैसेंजर केबल को पहचाने और फेज सेपरेटर का उपयोग करके इसे दूसरे फेज के केबलों से अलग करें। कैप्टिव वेजेस को ऊपर की तरफ सरकाएं। केबल डालने के लिए पर्याप्त जगह दे। सर्विस केबल्स को पहचाने और उन्हें क्लैंप में बिठा दे जैसा कि दिखाया गया है। केबल को लॉक करने के लिए वैज को नीचे की तरफ सरकाए। यहां जांच ले कि केबल क्लैंप से सरक नहीं रहा है। उपयोग के अनुसार एक ब्रैकेट के साथ एक या दो क्लैंप लगाए जा सकते हैं। आपने सर्विस क्लैंप को सफलतापूर्वक लगा दिया है।